अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के पूरा देखिए। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हो या फिर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर दो कुवैत से आ रही है, 13 ईयर एगो इराक इन्वेंटेड कुवैत। दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा, कुवैत और इराक में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी 30 साल पहले। दोस्तों, वहाँ पे उसके लिए वहाँ पे 1 अगस्त को वहाँ पे मतलब जो समझ सकते हैं इसे, अब मतलब दुख मनाना या फिर क्या मनाना, आप जो समझ सकते हैं वहाँ मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ था। अब दोस्तों, ये लड़ाई जो हुई थी 2 अगस्त 1990 को हुई थी, सद्दाम हुसैन जिस टाइम इराक में, जिस टाइम वो राजा थे, उस टाइम दोस्तों ये लड़ाई हुआ था। एक ऑयल जो कंपनी होता है उसके लिए लड़ाई हुआ था, तो काफ़ी उसमें नुकसान हुआ था। उसके लिए कुवैत को यूएसए ने साथ दिया था, जिसके बाद इराक को झुकना पड़ा था। अगली खबर साथियों आ रही, DGCA इनबॉर्न एंड आउटबॉर्न फ्लाइट ऑपरेट नॉर्मली एट कुवैत एयरपोर्ट। फिर अचानक वहाँ पे DGCA द्वारा दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया था कि 31 देशों के लिए बैन कर दिया जाएगा। उनमें से दोस्तों मिस्र के लोग, इसमें मिस्र देश भी शामिल था, जिसके बाद दोस्तों मिस्र के बहुत सारे फ्लाइट थी जिसे अचानक कैंसिल किया गया। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को नुकसान हुआ है। अगली खबर साथियों आ रही है, एक्सपेक्ट कैन इंटर कुवैत आफ्टर स्पेंडिंग 14 डेज इन नॉन लिस्टेड बैंड कंट्री। मतलब दोस्तों, जो भी देशों 31 देशों को बैन किया गया था, जैसे कि दोस्तों जो वर्कर है या फिर जो नर्स वगैरह है, डॉक्टर वगैरह, वो लोग वहाँ वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब सारा देश वहाँ पे शामिल था, पर दोस्तों आने से पहले आपको 14 दिन को पहले क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंटर कर सकते हैं। पर वही लोग आ सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, वही लोग को एंट्री मिलेगी। अगली खबर साथियों आ रही, PCR शुड नॉट बी एक्सटेंड 72 आवर फ्रॉम टेस्ट डेट एंड अराइवल डेट। दोस्तों, PCR जो सर्टिफिकेट होता है कोरोना का, दोस्तों यदि आप कुवैत आते हैं, जिस कंट्री को आने की इजाज़त मिला है, तो दोस्तों आपको 72 घंटे से पहले का रिपोर्ट वहां पे शो करना पड़ेगा। यदि 72 घंटे से ज़्यादा वो रिपोर्ट यदि हो जाता है तो आपको वो फिर से एंट्री नहीं मिलेगी, आपको फिर से उसका जाँच करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कुवैत में आने की अनुमति दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो डिसीजन लिया गया जनरल सिविल एविएशन है उसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया। तो दोस्तों, यदि आप जाँच करवाते हैं तो 72 घंटे से पहले आपको शो करना पड़ेगा। अगली खबर साथियों आ रही है, 12 अबॉन्डेंट कार लिफ्टेड एंड 13 वॉलेटिंग शॉप सटिन मुबारक। आपको तो दोस्तों बता दूं, कुवैत में 12 जो गाड़ियां हैं दोस्तों, वो सलमिया एंड साउथ सूरम है, उसे दोस्तों वहां पे उठा लिया गया। दोस्तों, क्यों उठा गया वो भी अब उसके बारे में नहीं डिटेल दिया हुआ है। और वहाँ पे 33 दुकानों को मुबारकिया में वहाँ पे बंद कर दिया गया वॉलेटिंग के लिए, हेल्थ रेगुलेशन के लिए। उसकी अब क्यों की दोस्तों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके वार्निंग दिया गया मालिक को कि आपको हैंड ग्लव्स, मास्क वगैरह और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये सब वार्निंग देकर छोड़ा गया है। अगली खबर साथ ही हमारी है, वुमेन किक्ड फ्रॉम फ्लाइट फ्रॉम रिफ्यूजिंग टू वियर मास्क फेस मास्क। दोस्तों, कुवैत में एक फ्लाइट दोस्तों उड़ान भरी थी यूएस के लिए, तो वहाँ पे दोस्तों एक महिला ने मास्क नहीं पहना था, मास्क नहीं पहनने का उस पर वो बहस करने लगी और उसे उस फ्लाइट से उतार दिया गया। और दोस्तों उसकी उतार दिया गया, उसे ले जाया भी नहीं गया और उसे वार्निंग देकर बाहर निकाल दिया गया एयरपोर्ट से। तो दोस्तों, वो रहने वाली अमेरिका की थी, यूएस का वो फ्लाइट था। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर साथियों आ रही, स्ट्रिक्ट चेकिंग ऑफ ट्रांजिट पैसेंजर ऑन कुवैत एयरपोर्ट। साथियों, आपको बता दूं, जो कुवैत एयरपोर्ट पे जो लोग पैसेंजर जो जिस देश से भी आ रहे, सबको बहुत ही खतरनाक तरीके से वहाँ चेकिंग किया जा रहा है। मतलब कोई भी वहाँ पर लापरवाही नहीं बरती जा रही, यदि कोई भी थोड़ा सा भी यदि उसमें कुछ दिख रहा है तो तुरंत उन लोगों पर बैन लगा दे रहा है, तो उन लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो साथियों, यदि आप जा रहे किसी देश से यदि आप हैं, तो आप समझ लीजिए कोई भी गलती ना कीजिएगा, यदि गलती करते तो आपको भुगतना पड़ सकता है। अगली खबर साथियों आ रही, डू नॉट पार्क योर व्हीकल्स इन फ्रंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन केबल लाइन। किसी भी गाड़ी को आपको वहाँ पे फ्रंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है और केबल लाइन जहाँ पे लगा हुआ है, कोई भी गाड़ी को दोस्तों, चाहे वो 2-व्हीलर हो, 4-व्हीलर हो या बड़ी गाड़ी हो, आपको वहाँ पे खड़ा नहीं करना है। ये गवर्नमेंट का सख्त आदेश है, ट्रांसफार्मर के पास और जो केबल लाइन उसके पास किसी भी गाड़ी को फिलहाल वहाँ कुवैत में खड़ा नहीं करना है, चाहे किसी भी शहर से आप रहने वाले हो। अगली खबर साथियों जो आ रही है, DGCA इनबॉन्डेड अबॉन्डेड फ्लाइट ऑपरेटिव नॉर्मली एट कुवैत एयरपोर्ट। तो साथियों, ये भी बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। आपको बता दूँ, जो DGCA ने जितने भी फ्लाइट वहाँ पे ऑपरेट हो रहा है वो नॉर्मली हो रहा है, जैसा फ्लाइट का जो टाइमिंग था वही फ्लाइट का टाइमिंग उड़ाया जा रहा है, जिस देश को अनुमति दी गई थी। और जिस देश को अनुमति नहीं दी गई थी उसको दोस्तों फ्लाइट ही नहीं उड़ रहा है। तो वहाँ फ्लाइट को लेकर दोस्तों जो भी टाइमिंग था पहले से दिया गया, तो उसी टाइमिंग से उड़ाया जा रहा है, वहाँ उसमें देरी नहीं की जा रही है। अगली खबर साथियों जो आ रही है, इजिप्शियन अनाउंस द कैंसिलेशन ऑफ इट्स लिस्ट टू कुवैत।
दोस्तों इजिप्ट में दोस्तों अचानक वहाँ पे इजिप्ट के दोस्तों जो एयरवेज है वहाँ, वो अचानक कुवैत की जितनी फ्लाइट उड़ने वाली थी कुवैत के लिए, वो सारे फ्लाइट को अचानक उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब कैंसिल क्यों किया, क्यों किया गया दोस्तों, इसके बस रीज़न है कि ये कोविड-19 के चलते उनमें कुछ खामियां दिखी। तो दोस्तों जितने भी कुवैत के लिए फ़्लाइट जो भी जा रही थी मिस्र के लिए, सारा फ्लाइट को कुवैत एयरवेज के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। अगली खबर साथियों हमारी, प्राइवेट हॉस्पिटल यूनियन अपील टू एक्सक्लूड द मेडिकल स्टाफ फ्रॉम द डिसीजन प्रिवेंट एंट्री इनटू द कंट्री। दोस्तों जितने भी दूसरे देशों से, इस चाहे वो डॉक्टर हो या नर्स वगैरह, जितने भी कुवैत वापस आ रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल ने ये गवर्नमेंट से अपील किया है कि मैं डायरेक्ट अब दूसरे देशों के नर्स या डॉक्टर को मैं अपने हॉस्पिटल में नहीं रखूँगा, जब तक गवर्नमेंट कोई लिखित में कोई चीज़ ना दे तब तक मैं अपने हॉस्पिटलों में नहीं रखूँगा। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अपील है गवर्नमेंट से प्राइवेट हॉस्पिटलों को, कुछ जितने भी कुवैत के हैं। तो दोस्तों ये कुछ खबर थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। तो मिलते साथियों इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो को लेकर, नेक्स्ट कुवैत की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर।